हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषिकेश। वेलकम टू लेटेस्ट वीडियो ऑफ ऋषिकेश ऑल इन वन चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेगापिक्सल क्या होता है, मेगापिक्सल के नाम पे हमको मोबाइल कंपनी वाले कैसे ठग रहे हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो जानेंगे मेगापिक्सल होता क्या है। मेगापिक्सल इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्सल। अभी पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इसलिए यूज होता है क्योंकि जब हम रिजोल्यूशन को काउंट करते हैं, एंड रिजोल्यूशन कैसे काउंट होता है, हमारा हाईएस्ट रिजोल्यूशन अभी कौन सा चल रहा है, जो एंड्रॉइड में यूज होता है। हम डीएसएलआर की बात नहीं करेंगे, उसका मेगापिक्सल बहुत हाई होता है। हम मोबाइल का ही काउंट करेंगे। तो मोबाइल का मेगापिक्सल कैसे काउंट होता है? 19202180 पिक्सल। अभी मिलियंस ऑफ पिक्सल मिलके ये एक मेगापिक्सल होता है। मेगापिक्सल का यूज कब से शुरू हुआ, पहले जानेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे थोड़ा। पहले क्या होता था कि हमको किसी भी फोटो से, डीएसएलआर से फोटो खींची तो उसकी प्रिंट हमको निकाल देती थी, क्योंकि मोबाइल्स नहीं होते थे। तो मोबाइल्स नहीं होने के कारण उसको प्रिंट पे लाने के लिए मेगापिक्सल आया। तो 1 मेगापिक्सल का पिक्सल ज्यादा से ज्यादा प्रिंट तो देता था, लेकिन उसको उस इमेज को फटवा देता था, यानी फट जाती थी इमेज। अभी क्या हुआ, मेगापिक्सल बढ़े तो हमको हायर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी आई और हमको अच्छी से अच्छी प्रिंट देने लगे। तो लेकिन अभी मोबाइल बहुत सारे आ गए, कॉमन हो गए मोबाइल, तो हमको प्रिंट तो निकालना है, लेकिन मेगापिक्सल तो बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा जो जो कैमरे की क्लियरिटी है, आपका ब्यूटी मोड, आपका जो डेप्थ सेंसिंग मोड है, जो नाइट स्केप मोड, ये सब मेगापिक्सल नहीं करता है। मेगापिक्सल सिर्फ इतना ही करता है कि आपकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है, और बाकी जो डेप्थ सेंसिंग काम है, जो क्लियरिटी की काम है, जो जूमिंग के काम है, जितना वो क्लियरिटी देता है वो सब सेंसर करते हैं मोबाइल में। अभी देखिए, मेरे पास है Oppo F9 Pro, जिसका मेगापिक्सल का कैमरा है 16 मेगापिक्सल। ठीक है, तो 16 मेगापिक्सल में वो ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी मेगापिक्सल, उसमें सारे सेंसर से सब वो काम अच्छे से कर रहा है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आ गई है 48 मेगापिक्सल की, कुछ दिनों को पहले आ जाएगी 64 मेगापिक्सल की, और फिर 108 मेगापिक्सल का आने वाला है Realme का, फिर वो 128 आएंगे, ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। तो क्यों चाहिए मेगापिक्सल हमको? हमको प्रिंट निकालना ही नहीं है तो क्यों चाहिए? सिंपल बात है, इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि आपको कंपनी ठग रही है इसके नाम पे, तो उससे बचिए। आप जब मोबाइल लेने जाते हैं तो सभी चीजों के साथ जाइए, माइक्रो प्रोसेसर, कौन से नैनोमीटर पे बेस चाहिए, क्या है इसका जीपीयू रेट, क्या है इसमें सेंसर, तरह तरह के बैटरी कितनी है, सब उसका परफॉर्मेंस सब चेक कर लीजिए। वो कैसे चेक करते हैं, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हो, वो देख लीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और फिर मेगापिक्सल के बलबूते पे प्लीज मोबाइल को खरीदिए मत, क्योंकि सिंपल मैं बता दूं तो आपका मोबाइल कंपनी द्वारा काट रहे हैं मेगापिक्सल के नाम से। तो प्लीज इसे बचिए, और हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे रेड कलर का आइकॉन होगा वो आप उसको दबा दीजिए, और उसके 2 सेकंड बाद एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिलती रहे। और हो सके तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन हाई कर दीजिए, और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बता दीजिए कि मेगापिक्सल क्या होता है, और कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।